तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नया एम्पलीफायर लेकर आए हैं जिसका नाम है अहुजा WP225L। तो इस एम्पलीफायर के साथ हमें एक मिलता है हेडनेक, एक इसका कवर एम्पलीफायर का, एक रिमोट और एक मेन यूनिट जो कि है एम्पलीफायर। बाकी तो इसका एक मॉडल नंबर लिखा है और ये अहुजा की ब्रांडिंग है। तो हमने इसको बाय किया है अमेजोन से, जिसका प्राइस था 8,500, बट इसकी एमआरपी जो कि यहाँ पे लिखी है वो है 9,300। तो थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट आपको भी मिल सकता है अगर आपको इसको बाय करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्विच मिलता है। सबसे पहले तो एक एंटीना है जिससे कि हम इसको, अगर रेंज कम आ रही है तो हम इसको एंटीना को चला सकते हैं। और सबसे पहले तो इधर काफ़ी सारे बटन्स हैं, जैसे कि मोड, रिकॉर्डिंग और वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन। और इसमें एक मेमोरी कार्ड भी डलता है, जैसे कि आपने कोई सॉन्ग चलाया तो उसके लिए मेमोरी कार्ड ज़रूरी होता है, कि जैसे आपने कोई सॉन्ग सेव करना है तो उसके लिए इसके अंदर मेमोरी कार्ड डलता है। और मेमोरी कार्ड की USB की चिप ये है। और ये एक माइक है, जिस जैसे अब आप ऑक्स को कनेक्ट करते हो तो ऑक्स तो इधर लगती है, पर ये वाला माइक दूसरा होता है। जैसे कि अब आपके पास जो नॉर्मल माइक होते हैं, जैसे कि हेडनेक हो गए, तो हेडनेक में तो वायरलेस टेक्नोलॉजी आ गई है अब, पर जो दूसरे दूसरे माइक्स होते हैं उनमें ये माइक के लिए वो होता है, स्लॉट है। तो उस माइक के लिए वॉल्यूम का बटन है, और ये उसके माइक के लिए वो जो वोल्टेज आएगी जितनी भी दूर वो सेट किया उसके लिए। इको चाहे आप वायरलेस हेडसेट से कनेक्ट करो चाहे माइक से, अगर इको आप बढ़ाओगे तो आवाज़ ज़्यादा गूंजेगी और अगर इको कम करोगे तो आवाज़ नहीं गूंजेगी। अगला है ऑक्स। अगर आपने ऑक्स लगाई है तो आप ऑक्स की से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो। इधर USB BT, इसका मतलब है कि अगर जैसे आपने इसमें USB से गाने चलाने हैं तो उसके लिए वॉल्यूम का बटन ये है। और टोन को आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप सेट कर सकते हो। ये इसका चार्जिंग वोल्ट है, 2 mAh की इसकी चार्जिंग होती है। और ये अगर आपको चार्ज करना है तो 8 घंटों में, 8 आवर्स में पूरा चार्ज हो जाता है। और अराउंड इस पे लिखा है कि ये 3 मंथ्स तक चल सकता है। और बाकी एक तो इसकी अभी हमने इसके सारे फंक्शन जान लिए हैं, अब हम इसके चला के देखते हैं। इधर ये ऑन ऑफ का स्विच है, इधर ऑन का ऑन, इधर डिजिटल डिस्प्ले है और इधर ऑन का बटन ऑन शो हो गया। अगर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पर चलाना है तो मोड का ऑप्शन दबाएं तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से आप पेयर करेगा ही, और अगर हेड माइक चलाना है तो फिर आप इसको दोबारा मोड पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए इसको चेक करते हैं ये कैसा चलता है।
हेलो माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। चलिए दोस्तों हम इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। तो अभी ये कनेक्ट हो चुका है, इसमें बस कुछ नहीं करना होता, आपको फोन से कनेक्ट करना होता है। You're trying to put me in a worse mood, ah. You want cleaner than my church shoes, ah. Really point to just to hurt me, ah. All right, a lamb just to tease me, ah. अभी हमने इसका साउंड चेक किया है, ये बिल्कुल फुल वॉल्यूम पे चल रहा था। अब आप जैसे गेट टुगेदर होते हो तो ये काफी हेल्प करेगा अब जैसे साउंड वगैरह चलाने में। तो चलो दोस्तों हमने इसकी टेस्टिंग कर ली है। बाकी तो इसकी आवाज बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर आपको कहीं टीचिंग करनी है या फिर कहीं सॉन्ग्स वगैरह चलाने हैं, जैसे कि कहीं आप ट्रिप पे जाते हैं तो आपको सॉन्ग्स वगैरह चलाने होते हैं, तो ये वायरलेस है। साथ में इसमें कोई वाईफाई यूज नहीं किया जाता, ये नॉर्मल बैटरी से कनेक्ट होता है और 8 आवर्स में चार्ज हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अब अगली वीडियो में मिलते हैं।